दोस्तों, अगर आपको भी मूवी देखे बिना नींद नहीं आती और आप भी कुछ फिल्मी सीन्स देखकर हिल जाते हो तो जरा ठहरिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सामने मूवीज में दिखाए गए सीन्स की रियलिटी दिखाने वाले हैं। चलिए बिना देर किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मूवी बैंग बैंग में हृतिक रोशन का वो सीन तो आपको याद ही होगा जहाँ वो आग के सामने आराम से वॉक करते हुए आते हैं। तो आप जरा सोचें कि अगर किसी के पीछे इतनी भयानक आग लगी हो तो क्या कोई इतनी स्टाइलिश वॉक कर सकता है? आग तो दूर, अगर धुआं भी ज्यादा हो जाए तो हम सब वहां से भागना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि आग की गर्मी ये नहीं देखती कि सामने हृतिक रोशन है या फिर कोई और। लेकिन यहां इस मस्त हीरो को आग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और भाई पड़ता भी कैसे, ये कौन सी असली आग थी? दरअसल ये VFX का कमाल है। हृतिक रोशन दरअसल ग्रीन पर्दे के सामने वॉक कर रहे होते हैं। इस पर्दे को बाद में VFX की मदद से आग में बदल दिया जाता है। दोस्तों, अगर हृतिक रोशन के सामने रियल लाइफ में आग लग जाए, क्या वो ऐसे ही बिहेव करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपने फिल्म 3 इडियट तो जरूर देखी होगी। इस मूवी के एक सीन में प्रोफेसर वायरस को दोनों हाथों से लिखते हुए दिखाया गया है। हालांकि रियल लाइफ में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर इस रोल को सच में फिल्माया जाता तो इसके लिए प्रोफेसर वायरस को काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ती, जिसमें यकीनन उनका काफी ज्यादा वक्त लगता। लेकिन जब टेक्नोलॉजी मौजूद हो तो भैया मेहनत क्यों करें, इसीलिए इस सीन को VFX की मदद से फिल्माया गया। प्रोफेसर वायरस की 2 अलग वीडियोस को शूट करके बाद में उन्हें एक बना दिया गया, जिससे कुछ इस तरह का सीन बना। तो है ना कमाल की चीज VFX। दोस्तों, आपको सुशांत सिंह राजपूत पसंद हो या ना हो, लेकिन उनकी MS धोनी फिल्म आपको जरूर याद होगी। तो क्या आप जानते हैं कि किस तरह सुशांत सिंह को एक असली मैच के अंदर दिखाया गया? अगर नहीं तो खुद ही देख लीजिए किस तरह सुशांत सिंह को धोनी की जगह लाया गया, और फिल्म में एक जगह सुशांत को बहुत पतला और कम उम्र भी दिखाया गया। इस जगह किसी दूसरे इंसान के चेहरे पर सुशांत का चेहरा चिपका दिया गया। ये सारा खेल भी VFX का है, जिसने शानदार फिल्म को बनाने में बहुत मदद की। दोस्तों, फिल्मों में अक्सर किसिंग सीन दिखाए जाते हैं, बल्कि एक एक्टर तो ऐसा भी गुजरा है जिसकी मूवीज का नाम सुनकर ही सबसे पहला ख्याल ऐसे ही सीन्स का आता है। लेकिन कुछ दफा ऐसा भी हुआ है जब कुछ अदाकारों ने इन सीन्स को करने से इनकार कर दिया। लेकिन इन सीन्स के बगैर तो फिल्म ही बोरिंग लगती है। तो डायरेक्टरों ने VFX की मदद से इन किसिंग सीन को कुछ इस तरह से शूट किया। तो है ना फिर कमाल, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। दोस्तों, फिल्म बाहुबली सबसे ज्यादा VFX का इस्तेमाल करने वाली फिल्म है। इस फिल्म में भल्लाल देव को एक सांड से लड़ते हुए दिखाया गया है, जो कि कुछ इस तरह रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें सांड को बाद में जोड़ दिया जाता है। एक जगह भल्लाल सांड को जमीन पर गिराते हुए भी नजर आते हैं। दरअसल इस जगह भल्लाल को सांड का नकली सर दिया गया था, जिसे बाद में असली सांड से बदल दिया गया। दोस्तों, अगर आपके सामने असली सांड आ जाए तो आप क्या करेंगे, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, आज हर कोई 6 पैक बनाने में लगा हुआ है। कोई गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए तो कोई बॉडी शोडी दिखाकर गर्लफ्रेंड बनाने के लिए धक्के खाता फिर रहा है, जबकि कुछ लोग फिटनेस के लिए 6 पैक बनाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, 6 पैक की बात आए और हम सल्लू भाई को भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 6 पैक दिखाकर लड़कियों को इम्प्रेस करने का ट्रेंड इसी भाई साहब ने शुरू किया था, जिसकी वजह से लोग उनके दीवाने हो गए। दोस्तों, आज भी सल्लू भाई अगरचे फिट और फाइन है, लेकिन उम्र का तकाजा भी तो सभी के साथ होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इतनी उम्र में 6 पैक बनाना कितना मुश्किल काम है। इसीलिए सलमान खान को फिल्म में कम उम्र दिखाने के लिए और डोले शोले दिखाने के लिए VFX का सहारा लिया गया, ताकि उनके फैन नाराज ना हो जाए और फैन फॉलोइंग बनी रहे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल रूमी टेक को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।